नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला आज की कुछ अहम खबरों का। टोक्यो ओलंपिक्स के दूसरे दिन भारत का खुला खाता, मीराबाई के सिल्वर से पदक तालिका में लगाई छलांग, पीएम ने दी बधाई, बोले ओलंपिक्स की इससे ज्यादा बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। 16 AK-47 राइफल, 34 पिस्टल, 18 IED और 4 लाख रुपए ड्रोन के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भेजे भारत में, कोशिश नाकामयाब। कोरोना से केरल महाराष्ट्र में बढ़ने केसेस के कारण तमिलनाडु ने बढ़ाई सीमा पर सुरक्षा, शिशुओं को मुफ्त टीका लगाएगी सरकार। 3 कृषि बिलों का विरोध, मटका चौक पर बैठे बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, कहा पार्लियामेंट में देखी थी वीडियो। रोजाना 8 से 9 हजार को लग रही वैक्सीन, चंडीगढ़ में अब तक 7,30,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। आज 17 स्थानों पर वैक्सीन के स्पेशल कैंप। कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों ने बनाया सुरक्षा कवच, पंजाब में 26 जुलाई से अनलॉक हो रही है ऑफलाइन कक्षाएं, बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, कैंपस दिन में 2 बार होगा सैनिटाइज। कटिहार अमृतसर कटिहार 26 जुलाई से दोबारा ट्रैक पर दौड़ने को तैयार, कोरोना महामारी के चलते की गई थी बंद। 4 करोड़ के स्ट्रीट लाइट घोटाले पे गिरी गाज, परवाड़ा नगर परिषद के इंजीनियर और जेई निलंबित, हिसार भाजपा के एक बड़े नेता पर भी संदिग्ध भूमिका। कंडक्टर को चप्पलों से पीटने पर SI सस्पेंड, पति पत्नी ने पीड़ित को कॉलर पकड़कर बस से नीचे उतारा था। हिमाचल में बारूदी सुरंग फटने से हमीरपुर का जवान शहीद, अक्टूबर में थी शादी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले आए सामने, एक युवक की हुई मौत। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते दिल्ली का तिलक नगर बाजार 27 जुलाई तक बंद। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी ही कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।